तो क्वेश्चन है एक पेंडुलम है, पेंडुलम का क्वेश्चन आए वो सर्कुलर मोशन का पार्ट है क्योंकि पेंडुलम जब मूव करता है और सोचो अगर कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर दे तो एक सर्कुलर मोशन का पार्ट माना जाता है। तो पेंडुलम के बॉब को मूव करने के लिए भी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होती है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तो मैंने ये बताया अभी सिखाया भी कि अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी आपको दे रहा हूँ और मैं वहाँ पर वेलोसिटी आपसे पूछ रहा हूँ तो मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं लगाने के लिए, मेरे पास एक ही तरीका है कि अगर मैं इसे ग्राउंड मान लूँ, ये मैंने इसे ग्राउंड मान लिया और ग्राउंड मान के सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर अगर इक्वल कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी, सही है? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन कहीं पर भी लग सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट और हाइएस्ट पॉइंट पर ही लगेगी, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट या फेवर में कोई मर्जी दो पॉइंट ले लें, एनर्जी तो हमेशा टोटल सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 है तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। काइनेटिक क्या है? हाफ एम इंटू 10 का स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी तो निकालना है। अब क्या रह गई? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको ग्राउंड से क्या चाहिए होगी? हाइट। और ग्राउंड क्या है? ये लाइन ग्राउंड की लाइन है तो आपको ये हाइट चाहिए होगी h। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं आपको h बता दूं तो आप पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फॉर्मूला लगा लेना कितना एम जी एच आंसर आ जाएगा, सही है यहाँ तक? तो अपने को अब क्या ढूंढना है? हाइट ढूंढनी है। अब ये h और ये h एक बराबर है, देख रहे हो इधर, ये h और ये h एक बराबर है, तो अगर मैं ये ढूंढ दूँ तो ये भी आ जाएगा, बात तो एक ही है, सही है? और ये h निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं इस h को कैसे निकालूंगा इसको देखते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस भी कितना है? 1 मीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें? तो लेंथ तो 1 मीटर ही रहेगी। और अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये डिस्टेंस x है तो h की वैल्यू क्या होगी? 1 में से x को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, इस ट्राइंगल के अंदर cos ऑफ 30 की वैल्यू अगर आप लगाओ तो x डिवाइडेड बाय 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 cos 30, यही आएगी। तो h की वैल्यू क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस कितना है? 1। 1 में से x को माइनस कर दो, 1 into cos of 30, ये आपके पास h आ जाएगा। तो ज्योमेट्री क्लियर है, ट्रायंगल की हेल्प से आप h निकाल सकते हैं, सही है? बस अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। एनर्जी कंजर्वेशन में लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक पता है, ये लो। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एम जी इंटू एच, एच की जगह 1 minus 1 into cos of 30 और काइनेटिक की वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एम एम और एम कैंसल, सॉल्व कर लेना और वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहे हैं, आंसर जो भी आए। कैसे? किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर जब एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन होगी और दूसरे की वेलोसिटी निकालनी होगी किसी पॉइंट की, तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये कुछ करना पड़ेगा, बैठ के ज्योमेट्री भी लगाएंगे, मतलब एक तो एनर्जी कंजर्वेशन मान लिया नया, फिर ऊपर से ज्योमेट्री भी लगाएंगे, फिर हाइट भी निकालेंगे, मैथ भी लगाएंगे, फिर आएगा आंसर, ये तो बहुत लंबा काम है। बिल्कुल लंबा नहीं है, मैं आपको एक लाइन का शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आज के बाद ये कुछ नहीं करेंगे, बस वो शॉर्टकट सीधा नोट करेंगे और सीधा एच सीधी वैल्यू अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जिसके लिए आप एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ नेक्स्ट पेज पे। सपोज फिर से एक पेंडुलम है, ये रहा और ये रहा, सपोज ये मास एम है, ये मास एम है, क्वेश्चन में गिवन है ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है वो कितनी है? एल है। ऑब्वियसली ये लेंथ भी क्या निकल के आएगी? एल है। सपोज ये एंगल कितना है? थीटा है। बनाओ प्लीज साथ साथ, थीटा। थीटा एंगल पर ये पेंडुलम है और इसमें एक काम करना है, ये अगर ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो जस्ट इमेजिन करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से,
और कल को अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में ये हाइट एच निकालनी पड़ जाए तो क्या होगी, वो निकालने जा रहे हैं। पहले एक बार देख लें क्या मैं सही कर रहा हूँ। एच निकालने का मतलब, ये एच निकालने का मतलब, ये एच निकालना बात तो एक ही है, तो ये एच कैसे निकलेगा, ये पूरी लेंथ क्या है एल, और एल में से इस लेंथ को माइनस कर देते हैं, बस इतनी लेंथ को एल में से ये लेंथ माइनस करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ये लेंथ होगी क्या एल कॉस थीटा, करके देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, तो एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये लो, तो सीधा एच की वैल्यू क्या आएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद जब इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी तो मैं कोई ज्योमेट्री नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा न्यूमेरिकल में शॉर्टकट मारूंगा। जब मैं बोलूंगा ये हाइट निकालो, आप सीधा बोलेंगे एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट्स इट, खत्म। तो एल माइनस एल कॉस थीटा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है शॉर्टकट? ये पूरी ज्योमेट्री बच जाएगी हमारी, कुछ नहीं यूज करेंगे, सीधा एल माइनस एल कॉस थीटा। तो नोट कर लें, इसे फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करना है, जहां करना है वहां कर लें।